मूस जो कल चली गई, उसकी जो पर्सनालिटी थी ना वो अलग ही थी। वो खुद में ही लड़की, 19 साल की लड़की, दबंग थी एकदम। नेहा बस इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, पर बिग बॉस ने गेम खेल दिया। उनको पता था नेहा बसिन जाने वाली है, वोटिंग उसका कम आ चुका है, तो नेहा बसिन निकलेगा तो उसको कैसे बचाए? ऐसे बचाए, घर वालों का वोटिंग ले ले। उनको पता ही था 6 लोग थे, 3 लोग तो 4 लोग तो इसको ही सपोर्ट करेंगे ना, राकेश, शमिता था, राकेश, शमिता एंड प्रतीक, 3 लोग तो नेहा को ही सपोर्ट करेंगे, नेहा के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड क्या कहते हैं, दिव्या और निशांत मुसो करेंगे। उनको पता ही था कि ये नेहा के खाते में 1 वोट ज़्यादा जाएगा। मतलब क्या गेम खेला है अपने बिग बॉस, मस्त। नेहा को आपको निकालना ही नहीं है ना? लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं ना, एज ए व्यूअर्स, हमें लगता है नेहा बसिन को निकालना ही पड़ेगा आपको। अगर घर में आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, अगर घर में एक अच्छा वाला गेम चाहिए, लोगों का अपने अपने इंडिविजुअल निकलना चाहिए, ठीक है, उसी लिए आपको नेहा बसिन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाती है घर में, ठीक है। दिव्या के ऊपर तो वो चढ़ी जाती है विदाउट एनी रीज़न, उसको बोलने ही नहीं देती, पहली बात तो ये, ठीक है। उसको हमेशा चाहिए चाहिए प्रतीक उसको आके हक करे, प्रतीक उसको आके किसेस करे। अरे क्या यार, हक किसेस करने आई हो बिग बॉस में? मतलब हम व्यूअर्स को ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है अभी, ठीक है। आप प्रतीक के साथ मतलब क्लोज भी हो गए, उसके बाद बोलोगे भी पता नहीं घर के बाहर मेरा हस्बैंड रहे या नहीं रहेगा, मेरा घर या रहेगा नहीं रहेगा, मेरे घर वाले मुझे करेंगे या नहीं करेंगे एक्सेप्ट। शमिता ने भी बोला आपको एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन। आपको प्रतीक से दूर दूर रहना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपको बाहर का देखना पड़ेगा, है ना। प्रतीक को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड है जो भी है उसका, ना रहे रहे कुछ भी बात नहीं, फिर से नया बना लेगा प्रतीक, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका हस्बैंड है ना, सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन यू एंड प्रतीक। जो भी है, नेहा बसिन को आपको निकालना पड़ेगा बिग बॉस, बिकॉज बिग बॉस 15 में अगर नेहा बसिन होती है तो भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर होगा, ठीक है। हम एज ए व्यूअर्स, मैं तो सोच रही हूँ बिग बॉस 15 देखना ही बंद कर दूँ अगर नेहा बसिन वहाँ पे एंट्री कर देती है, क्योंकि जो डिजर्विंग है ना उनको लो, ओके। दिव्या डिजर्विंग है, निशांत डिजर्विंग है, इवन प्रतीक, ये तीनों के तीनों डिजर्विंग है ही है। राकेश का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, ठीक है। राकेश बहुत ज़्यादा शांत टाइप का लड़का है, बंदा है जो भी है वो, सॉरी, राकेश एक बहुत ज़्यादा शांत टाइप का आदमी है वो। उसको इतना ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं पसंद, वो चाहता है शांति से मैटर सॉल्व हो, ठीक है। तो राकेश एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उस हिसाब से है। सभी बात को हम प्रतीक की तरह चिल्ला के रद्द करके नहीं करते, किसी किसी बात को शांति से बैठ के भी सॉल्व किया जा सकता है, ओके। और समिता तो पता ही है, वो तो वीक की गारंटी लेके आई है ना, वो बिग बॉस OTT जितना जीते वो बिग बॉस 15 हाउस में जाएगी ही जाएगी। तो देख लो, निशांत, दिव्या एंड प्रतीक, ये तीनों तो डिजर्विंग है। प्रतीक जो भी करे, टास्क साथ कराए बच्चों की तरह, वो किंडरगार्टन की बच्चों की तरह, मुझे जितना है मुझे जितना है ये करे, है ना। जो भी अगर नहीं जीत पाया, अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर गेम ही रद्द कर दो, वो नॉमिनेशन हो या फिर टिकट टू फिनाले हो, कुछ भी हो, अगर मैं नहीं तो किसी का नहीं, है ना। वो बच्चे, हम जो बच्चे थे ना, हम तब करते थे मुझे ट्रॉफी चाहिए मुझे ट्रॉफी चाहिए, अगर मुझे भी नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा, सबका लेके फेंक देंगे, ऐसा कुछ उसका ऐसा मेंटेलिटी है प्रतीक का, ओके। ऐसा मेंटेलिटी लेके तुम गेम तो नहीं जीत सकते, ना ही तुम कोई सीजन का विनर हो सकते हो, ओके। हम जिस एज ए व्यूअर्स, हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, दिव्या इज़ अ क्लियर विनर, बिकॉज वो सोलो खेल रही है, वो एक स्ट्रॉन्ग दबंग लड़की है, उसे ही जीतना चाहिए बिग बॉस OTT। एंड बिग बॉस 15 में वो डिपेंड करता है कौन कौन कंटेस्टेंट आता है, कौन कौन कंटेस्टेंट कितना ज़्यादा पॉपुलर है, किसका कौन कौन कंटेस्टेंट का कितना ज़्यादा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो क्या कहते हैं, पर्सनल जो साइट है, वो कैसे हम लोगों को दिखाते हैं, ओके। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हैं, घर में कैसे बिहेव करते हैं,
कैसे खड़े होते हैं अपने अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, वो हम लोगों के लिए मैटर करता है। अगर बिग बॉस OTT का विनर आई एम श्योर दिव्या होगी, और बिग बॉस 15 में अगर वो जाती है जाएगी तो ऑब्वियसली 5 लोग तो जाएंगे बिग बॉस 15 हाउस में, तो बिग बॉस 15 का भी विनर वो होगा होगी, क्योंकि बिग बॉस OTT वालों को जो 5 लोग जाएंगे वहाँ पे उनको एक एडवांटेज मिल ही रहा है कि वो दोनों वो 5 लोगों का अपना एक पहचान ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, मतलब बिग बॉस OTT की वजह से, नॉट इन पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में तो जिसका जितना फॉलोअर्स है, लेकिन क्या कहते हैं बिग बॉस OTT की वजह से कैसे गेम खेलते हैं, कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कैसे सोलो खेलते हैं, कैसे विदाउट कनेक्शन खेलते हैं, कैसे कनेक्शंस खेलते हैं, वो हमने देख चुका है, हम लोगों ने वो देखा है। तो इसीलिए बिग बॉस 15 में उनको एक एडवांटेज तो ऑब्वियसली मिलेगा। सो होप फॉर बेस्ट, बिग बॉस OTT का विनर जो भी हो आई थिंक डिजर्विंग होगा, वो डिजर्विंग होगा। और अगर प्रतीक हार गया, अगर प्रतीक नहीं जीता, तो पता नहीं वो कितना रोएगा या फिर कितना सीन क्रिएट करेगा या फिर बोलेगा मैं नहीं मानता विनर, ये विनर का टास्क भी रद्द कर दो, ये टास्क है मैं इसको नहीं मानता, इसको भी रद्द कर दो, नहीं मिले किसी को ट्रॉफी, ट्रॉफी ना तोड़ दे वो। अगर दिव्या को ट्रॉफी मिल गई है ना, तो प्रतीक की तो पूरी की पूरी फट जाएगी, पूरी की पूरी, अगर दिव्या विनर हो गई तो। एंड आई एम श्योर दिव्या ही विनर होगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खेल रही है लड़की। सो ऑल द बेस्ट दिव्या, एंड आई लव यू, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड आई रियली वोट फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।